स्वतंत्र पत्रकार जिसे कहते हैं, जिसे कहीं कोई जगह नहीं मिलती, तो उसकी वजह होने से बहुत सारे चैनल जब बुलाते हैं तो हम लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए पारिश्रमिक का काम करता है, मेहनताना जिसे कहते हैं। तो कई चैनलों से आ चुकी, हमको ऑफर था, इलेक्शन शुरू हो गया है, तो अब तक तो सिर्फ एक ही तरह का ढोलक, एक ही तरह का ढाल, एक ही तरह का मृदंग बज रहा था। अब वो चाहते हैं कि थोड़ा एक आध सुर और भी हो, तो उन्होंने बुलाया है कि इसलिए जाना है, जाना है। तो मैंने इसीलिए कहा संदीप को कि भाई आज तो बीच में गड़बड़ हो गया, आप लोगों ने आपको 2 से 5 कहा था, लेकिन इतना देर नहीं हम टिक पाएंगे, मजबूरी हमारी है। तो बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने मैं अपनी बात कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो किताब है, मैं सबसे पहले जब भी हमारे समाज के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग लिखने पढ़ने का कुछ काम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो लिखने पढ़ने का काम हुआ है, और ओबीसी और भारत करके किताब राव साहब ने लिखी है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस किताब को संतोष जी ने, कृष्णकांत ने और संदीप ने मिलकर उसका ट्रांसलेशन किया है, जिससे कि हिंदी के पाठक पढ़ सकें। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में ज़्यादा काम बेहतर ढंग से अंग्रेजी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, मराठी इन भाषाओं में हुआ है, और जो बहुजन साहित्य है वो हिंदी में सबसे कम रहा है। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि हमारे यहाँ आंदोलन तो हुए लेकिन सांस्कृतिक बौद्धिक स्तर पर काम कम हुआ। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ही साहित्य देख लीजिए, हमारे हिंदी में कितना बाद में आया, जबकि मराठी में, अंग्रेजी में पहले आया, और उसका बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ, क्योंकि बाबा साहब को अगर हमारी जनरेशन के लोग बहुत पहले पढ़ चुके होते तो इतना संभ्रम, इतना कंफ्यूजन, इतना अज्ञान बहुत सारे मसलों को लेकर हमारे हिंदी क्षेत्र में नहीं होता। तो इसलिए लेखन का, साहित्य का, रचना का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए 90 के दशक में हमने देखा कि बहुत सारे जो बहुजनवादी आंदोलन था, पिछड़ा आंदोलन था, दलित आंदोलन था, उसमें 8वें दशक के बाद और 9वें दशक की शुरुआत के साथ बहुत चमकदार नेतृत्व उभरा, आंदोलन भी बहुत तेज हुए, संगठन भी बने, पार्टियां भी बनी, लेकिन उन चमकदार नेताओं, चमकदार जो नेतृत्व था, उनके अंदर कुछ न कुछ समस्या थी कि देखिए एक दशक, डेढ़ दशक, पौने दो दशक बीतते बीतते उनकी चमक धुंधली होती थी, और धुंधली होने के पीछे जो चमक और संगठन के कमजोर होने के पीछे, आंदोलन के बिखरने के पीछे जो मुख्य वजह ये थी कि बौद्धिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर बहुत बेहतर पृष्ठभूमि उनकी नहीं थी, न तो उनके आंदोलनों की थी। ये वजह थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आधार आधार भले ही बहुत सारे लोगों का इंटैक्ट हो, लेकिन जो वैचारिकता है, जो मोबिलाइजिंग कैपेसिटी है, जो काउंटर करने की अपने जो राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं आपके, या जो आपको सदियों से उत्पीड़ित करते रहे आपके समाज को, उनसे टकराने की जो आपकी क्षमता है, उसकी धार अगर कम हुई है तो उसकी वजह है कि आपकी वैचारिकता और वैचारिक आधार आपका कमजोर था। इसलिए हमारा मानना है कि जब बौद्धिकता आपकी वैचारिकता मजबूत होती है तो आप जिस जमीन पर खड़े होकर आंदोलन करते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए बाबा साहब जब थे तो उतना बड़ा राजनीतिक दल नहीं था, बड़े मंत्री नहीं थे, बड़े मुख्यमंत्री नहीं थे, बड़े बड़े ओहदेदार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने जो जमीन तैयार की उसी जमीन पर आज सारे फल फूल रहे हैं। तो एक आदमी जिसने इतना बृहत काम किया, जिसने इतिहास को समझा, दर्शन को समझा, और भारत की पूरी जो वैचारिकी है, खासकर जो उत्पीड़ित वर्ग की वैचारिकी, उसको समझने की कोशिश की, और उसमें से इतिहास की तह में घुसकर उन्होंने मनुष्य की जिज्ञासा, उसके संघर्षों की असल कहानी लिखी। तो मुझे लगता है कि वो दौर जो ये 1.5-2 दशक जो बीते हैं, जब राजनीतिक स्तर पर चमत्कार नेतृत्व तो उभरे, सत्ता भी बदली, सत्ता भी मिली, लेकिन धीरे धीरे उनका पराभव दिख रहा है, धीरे धीरे चमक हो रहे हैं वे,
वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी यह स्थिति है, कुछ एक लोग ज्यादा ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही बुरी हालत में हैं। उन्होंने जहां से यात्रा शुरू की उसकी ठीक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में ये लिखना पढ़ना आप लोगों का बहुत जरूरी है, और यही लिखना पढ़ना जो है ये नई जनरेशन को मैं समझता हूं कि एक आधार देगी, एक सोचने का एक पृष्ठभूमि देगी, जिससे कि हम अपनी गलतियों से सबक ले सकें। जो जनरेशन, जो पीढ़ियां, जो समाज, जो समुदाय अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो बार बार गलतियां करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि गलतियों से सीखकर ही आप बेहतर काम कर सकते हैं। आज जिस आंदोलन की बात मैं कर रहा था, दो दशक पहले का वो गतिरोध का शिकार है, भयानक गतिरोध का शिकार है। हमें ये इसको मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं दलित पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के समाज में। आप देखिए, आप पूरे देश में देखिए इतनी बड़ी संख्या है। जिस वक्त वो आंदोलन छिड़ा था उस समय इतनी पढ़े लिखे लोगों की तादाद नहीं थी, आज ज्यादा तादाद हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमारी धार कमजोर है। तो ये जो कमजोरी है इसको दूर करने में मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो प्रयास है, हम भले ही आपको अभी दिख न रहा हो, आपको लगता हो कि क्या हो रहा है इससे, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है और धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। मेरा बस अंत में आप लोगों से बस एक अपील है कि शहरों में, बड़े सांस्कृतिक केंद्रों में, बड़े बौद्धिक केंद्रों में, बड़े शैक्षणिक केंद्रों में जो आप लोगों ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन अभी जो अगले कुछ महीने हैं, मैं कोई जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, किसी दल से कभी जुड़ा नहीं रहा और न जुड़ने का कभी इरादा है, लेकिन मैं ये जरूर आप सब लोगों का आह्वान करता हूं, जो आप लोग एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये जो अगले कुछ महीने हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान के इतिहास के लिए, हिंदुस्तान के पूरे वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशियल है। और अगर हमने आने वाले कुछ महीनों में इस जटिलता को, इस संकट को, इस चुनौती को ठीक से नहीं महसूस किया और उससे निपटने के असल रास्ते नहीं तय किए, जो जरूरी रास्ते हैं, तो हम बहुत बड़े संकट में फंसने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर आप जहां भी हो, खासकर अगर बड़े शहरों में आप हैं, बड़े सांस्कृतिक केंद्रों में हैं, तो वहां से गांव की तरफ, कस्बों की तरफ आप कूच करें। गांव और कस्बों में आप जब तक नहीं जाएंगे, अपने लोगों के बीच जब तक नहीं जाएंगे, मेरा तो ये कहना है कि कुछ अगले कुछ सप्ताह, अगले कुछ महीने छुट्टियां लेकर नौजवान चले जाए, यहां रहने की जरूरत नहीं है। भले ही वहां दूसरे लोगों की आप समझते हो कि आबादी कम है, आपको लगता है कि हमारे समाज में बहुजन आबादी बहुत ज्यादा है, तो बहुजन आवाज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिए हर शाम आपके बहुजन समाज के लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम में कौन बैठता है? एक टेलीविजन बैठता है और वो टेलीविजन रोज जहर उगलता है। वो टेलीविजन एक ही तरह की बात बताता है, एक ही धुन में गाता है, एक ही तरह से नाचता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि देश के जो बहुजन लोग हैं वो समझते अगर हों कि गांव कस्बों में आपकी आबादी ज्यादा है, तो आप इन गलते में मत रहिए। आपकी सारी आबादी अज्ञान के अंधेरे में डूब जाती है जब टेलीविजन पर एक ही तरह की बात चलने लगती है और बताया जाता है कि इस देश का सबसे बड़ा संकट सरहद का संकट है, भारत पाकिस्तान का संकट है, कश्मीर का संकट है। इसलिए हे बेरोजगारों, हे उत्पीड़ितों, हे दलितों, हे पिछड़ों, सब भूल जाओ, भारत खतरे में है। भारत खतरे में नहीं है, इस देश का बहुजन खतरे में है। सच्चाई है, भारत को कोई खतरा नहीं है। भारत को उस वक्त भी खतरा नहीं था जब बहुत ताकतवर मुल्क से उसकी लड़ाई हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि इस ये जो भ्रम का पिछले दो महीनों में
पिछले बल्कि दो महीने में नहीं बल्कि दो तीन सप्ताह से ये भ्रम का एक बड़ा जो मायाजाल बना गया है वो मायाजाल इस देश के जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं, इसको समझाने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शहरों में लोग हैं आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं जैसा मैंने पहले कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूं और न मैं किसी के लिए आह्वान कर सकता हूं और न करना कभी जीवन में किया है, लेकिन जनतंत्र के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि उसको बचाने के लिए जरूरी है कि बड़े शहरों के जो लोग हैं खासकर आप जैसे कार्यकर्ता वो छोड़िए इन शहरों को, जाइए और अगले कुछ महीने गांव में जाइए बताइए, क्योंकि जो टेलीविजन उनको रोज बता रहा है उसकी कोई काट नहीं है आपके गाँव में, आपके कस्बों में, आपके राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो वही चीजें बता रहे हैं, वही चीजें बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ राजनीतिक दलों के बयान में चकित हूँ कि किस तरह के अज्ञान में वो भी डूबे हुए हैं। इसलिए आप लोग जाइए, लोगों को बताइए और जनतंत्र को बचाइए। इन शब्दों के साथ आपका